Now, right now, complaint part is not there, only interaction is there. We will see, try to see that over a period of time. So, yeah, offenses, what action has been taken on the offenses, who are the local bad hats, what could share chestaru, all the things that a community needs to know. Without, of course, infringing on anybody's privacy. Because frequent transfers are there of officers, that's why the numbers may not be this thing, we'll update them. ఒక వేరే సైట్ ఉన్నది అది దీనిలో మీరు వెళ్ళి మీ ఎఫ్ఐఆర్ దీని మీద ఏం యాక్షన్ చెప్తుంది మా ఈ కాప్స్ ది సైట్ ఉన్నది చూసుకోవచ్చు ఓకే ఓకే లెట్ మీ ఓకే मैं आज यहाँ पर हम लोग हैदराबाद सिटी पुलिस के हर पुलिस स्टेशन की एक जो फेसबुक पेज बनाया गया है उसको स्टार्ट करने के लिए मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि पिछले 29 गुवाहाटी में जो डीजीपीस की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमारे देश के माननीय महोदय ने कहा था कि देश को एक स्मार्ट पुलिस की जरूरत है स्मार्ट मतलब एस से स्ट्रिक्ट सेंसिटिव अकाउंटेबल अलर्ट रिस्पॉन्सिव ट्रेन्ड एंड टेक्नोसेवी उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर जोर दिया था उसमें से ये भी था कि साइबर क्राइम फॉरेंसिक साइंस टेक्नोलॉजी जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो और साथ में एक ये भी कहा था कि या एक वेबसाइट हो या एक फेसबुक पेज हो और पहली बार हर पुलिस स्टेशन का एक फेसबुक पेज हमने खोला है और उसको आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसा मेजर है जिससे कि पुलिस और पब्लिक के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी और रियल टाइम के अंदर इम्प्रूव हो सकते हैं वैसे तो नॉर्मली अब तक पब्लिक को बताने के लिए मीटिंग बुलानी पड़ती थी या किसी से अनाउंसमेंट करना पड़ता था या दूसरा कम्युनिकेशन चैनल ढूंढना पड़ता आजकल देश के फेसबुक पर ट्विटर पर हैं तो ये एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं हर कम्युनिटी वो अपने पुलिस स्टेशन के एरिया में किस तरह की पुलिसिंग चाहती है उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं क्योंकि हर एरिया की प्रायोरिटी अलग होती है प्रॉब्लम्स अलग होती हैं अगर वो अपना बता सके कि हमें ये चाहिए इस तरह का हमारी प्रॉब्लम्स है उसके लिए हमें इस तरह का रिस्पॉन्स चाहिए इस तरह की पुलिसिंग चाहिए स्टेशन का जो एसएचओ है वो ही प्लान कर सकता है कि उसके लिए स्ट्रेटजी किस तरह से बनाई जाए उसके लिए एक्शन किस तरह का लिया जाए वो एक्शन लेने के बाद में उसको फीडबैक भी तुरंत मिल सकता है फेसबुक के द्वारा कि जो उसने एक्शन लिया है या उसने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसको जो है कम्युनिटी अप्रिशिएट कर रही है या उसके ऊपर क्रिटिसिज्म ज्यादा है या उसको इम्प्रूव करना इससे रियल टाइम में जल्द जल्द ही और उस फीडबैक को अगर यूज किया जाएगा तो हम लोग पब्लिक को कम्युनिटी को